हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, मार्केट गिरती रहती है। ओके, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती रहती है और हर बार गिरावट आई है, यहाँ पर भी गिरावट आई है, यहाँ पर भी गिरावट आई है, यहाँ पर भी गिरावट आई है, बट लगातार गिरावट नहीं आई है और लगातार तेजी नहीं आई है। अगर यहाँ पर लगातार तेजी आई है तो यहाँ पर गिरावट भी आई है, और लगातार गिरावट आई है तो यहाँ पर तेजी भी आई है, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आ रही है। ओके, और ये गिरावट कब तक चलती रहेगी? बट आपको अगर कुछ चीज़ों का आपको पता है, ओके, कुछ इंडिके अगर आप कुछ टेक्निकल्स के रूल्स अगर जानते हैं तो उस केसेस में आप यहाँ पर आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं होगी। बट बीच बीच में ये वीडियोस बनानी पड़ती है कि यहाँ पर निफ्टी का व्यू क्या रहेगा, यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में क्या होता रहेगा, एज वेल एज डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में क्या होता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है ताकि जो हमारी होप खो जाती है, क्योंकि एक साथ ही मार्केट गिरता है, मार्केट गिरने पर एक साथ ही अच्छा खासा 200 200 300 300 पॉइंट यहाँ पर गिरते हुए नजर आते हैं। मिड कैप में 600 पॉइंट, सेंसेक्स में 700 पॉइंट, स्मॉल कैप में 200 250 पॉइंट, तो इस तरीके से घबराहट भी पैदा हो जाती है और दिखता है कि पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ नहीं रहा, केवल नीचे ही नीचे आता है। तो हमेशा कॉशियस भी रहना है, हमेशा चीज़ों को समझना भी है, और जब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, थोड़े बहुत टाइम में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। और ये जो मार्केट है ये हमेशा आपको ऊपर ऊपर ही जाएगी, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपके माइंड में रहेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा पाएंगे। तो वीडियो में हम बात करेंगे यही निफ्टी 50 स्मॉल कैप डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हमने बताए तो उससे रिलेटेड। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर आपका चैनल है, सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो यहाँ पर फौरन तौर पर मिल सके। एज वेल एज यहाँ पर आपको अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे और नंबर पे जाके आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले तो यहाँ पर देखिए, कोई भी स्टॉक लगा, जैसे निफ्टी 50 लगातार ऊपर नहीं जाता है, नीचे गिरा, इसी तरीके से कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, गिरता भी है। बजाज हिंदुस्तान जब से बताया अच्छा खासा पैसा डेफिनेटली बनाए, बट उसके बाद आज लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया, तो लोअर सर्किट लगाए कल दोबारा देख लीजिएगा, मैं आपको कुछ लेवल है वो भी बता दूंगा, आपको कुछ समझ में आता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर स्टॉक्स से रिलेटेड बातें की जाती है, अच्छे खासे स्टॉक्स यहाँ पर भागते भी नजर आए, अच्छे खासे पैसे ही बनते हुए नजर आए, बट मार्केट गिरती है तो सारे स्टॉक गिरते हुए नजर आते हैं। तो आज की डेट में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी के व्यू से रिलेटेड। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये निफ्टी यहाँ पर इस पॉइंट पे गिरती हुई नजर आई, उसके बाद से यहाँ पर एक तेजी हुई, फिर दोबारा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी इसी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में आपने डो जोन्स देखा होगा, तो डो जोन्स में अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई थी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए, लगभग 981 पॉइंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था, तो इस वजह से यहाँ पर भी इंडिया मार्केट को भी गिरना था, तो उसी वजह से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। एक बेहतरीन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट जो 16,813 रुपए के आसपास है, 16,800 का है, ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। ओके, अगर इससे यहाँ पर तोड़ता है और नीचे निकलता है तो एक गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, और वो गिरावट इस निफ्टी 50 को एज वेल एज यहाँ पर लेके आ सकती है, लेवल है वो 16,400 तक लेके आ सकती है। फिर गिरावट हुई तो 16,100 तक, और इसके अलावा यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट 15,681 का है। बट डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट का कहना है कि चीज़ें ऊपर जानी है, नीचे आनी नहीं है, थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है। ओके, यहाँ पर अलग अलग फेड टाइटनिंग से रिलेटेड बातें और नज़र आ रही है, 75 पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड बातें हो रही है, इस वजह से यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई डो जोन्स में गिरावट हुई थी, यहाँ पर हमारा मार्केट भी गिरता हुआ नजर आया उसी पेस में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो इंडिकेटर बता रहा है, देखिए लास्ट टाइम भी इसी 0.5 से रिटर्न हो गया था, इस बार भी इसी से शायद रिटर्न होता हुआ नजर आया, और अगर गिरता है तो एक बेहतरीन लेवल यहाँ पर नजर आएगा, और इसे भी अगर तोड़ देता है और तो ये और इसके बाद तोड़ देता है तो फिर सीधे यहाँ पर भी हम आ सकते हैं, तो इसके लिए कॉशियस रहिए। तो इसलिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए, हम अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वो ही प्रॉफिट दोबारा नीचे आ जाएगा। ये गलतियां मैंने बहुत बार करी है, मैनी टाइम्स करी है। ओके, होता है क्या होता है कि हम यहाँ पर स्टॉक्स खरीदते हैं, ओके, हम यहाँ पर बेच देते हैं, काफी बार होता है कि ऊपर निकल जाता है, ओके, तब एक अफसोस रहता है, कभी अफसोस ये रहता है कि हमने यहाँ पर
स्टॉक खरीदा, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हम सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर ऊपर नहीं आता, तब हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ जाता है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाता है। तो इस केसेस में आपको करना क्या है, इस केसेस में स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये दो चीज का ध्यान रखिए, इसके साथ खेलिए, अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो होप निफ्टी 50 समझ में आ गया होगा। निफ्टी बैंक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में यहाँ पर देखिए आज के दिन में एक अच्छी खासी गिरावट हुई, उसके बाद चीजें यहाँ पर ऊपर की यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। तो आज का जो लो है ओके, अगर ये तोड़ देता है, याद रखिए ये जो 35,565 के आसपास का है, इसके अगर तोड़ देता है तो फिर एक गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, जो इसे यहाँ पर 35,000 के आसपास लेके आ सकती है, और 35,000 को भी अगर तोड़ देती है तो सीधे यहाँ पर 34,140 तक के लेवल को यहाँ पर लेके आ सकती है। तो ये एक लेवल है, ट्रेंडिंग लाइंस है, इन्हें ड्रॉ करना मैं आपको बताऊंगा जब हम टेक्निकल की क्लासेस लेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि कैसे ये ड्रॉ करते हैं, कुछ अलग अलग पैटर्न बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी कि इन्हीं लेवल से चीजें ऊपर जाती है, इन्हीं लेवल से चीजें नीचे आती है, इन्हीं लेवल से ब्रेक डाउन होता है, इन्हीं लेवल से ब्रेक अगर हम बात करें ब्रेकआउट होते हुए नजर आता है। तो इसलिए इसके लेवल को भी ध्यान दीजिए निफ्टी 50 ओके। इसके अलावा और अगर कोई कहता है कि कल क्या होगा, तो कल क्या होगा, कल तो देखिए वो ही बताएगा, अगर इसके नीचे आ जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो इसे ही है, इस हर्डल को क्रॉस करना है, जब तक ये हर्डल्स क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक अच्छी खासी जंप होती हुई नहीं दिखाई देती, तो इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी स्मॉल की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप भी अच्छे तरीके से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, बट एक अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बेहतरीन सपोर्ट के साथ यहाँ पर ठहराव करता हुआ नजर आया है, एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, अगर ये सपोर्ट बट एक कैंडल बनती हुई नजर आई है, ये जो कैंडल बनती है याद रखिए, जो इस तरीके की कैंडल होती है ना, इसका एक नाम है जो कि मैं आपको जब टेक्निकल की बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा, और अगर इस चीज से नीचे आ जाती है तो यहाँ पर याद रखिए ऐसी ऐसी कैंडल से, देखिए ये कैंडल बनी थी तो ऊपर गया था, रेड बनी है तो नीचे, तो मार्केट में और भी गिरावट आ सकती है स्मॉल कैप में, तो इसके लिए आपको क्या रहना है, आपको रहना है प्रिपेयर। और आपका सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है 9421 का ओके, और भी यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो एक ये सपोर्ट भी यहाँ पर नजर आता है 9900 के आसपास का, तो गिरावट हो सकती है, तो गिरावट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। और देखिए यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस के आसपास चीजें आके दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दी, और मैं हमेशा यहाँ पर बताता हूँ जब इस तरीके की यहाँ पर कैंडल बन जाती है तो गिरावट होती होती है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा मिड कैप यहाँ पर आप देखेंगे, मिड कैप में भी अच्छी खासी, देखिए मेरे पास लार्ज कैप के शेयर बहुत कम है, मिड कैप और स्मॉल कैप भी बहुत ज्यादा है, तो आज की गिरावट अच्छी खासी गिरावट थी, और इस गिरावट में अगर हम देखें तो देखिए ये पहले लेवल आपको बताया था, इसी लेवल से यहाँ पर चीजें ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है, मतलब इसी पे हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, अगर यहाँ से एक गिरावट हो जाती है तो याद रखिए ये गिरावट और गहरी हो सकती है ओके, और जो अलग अलग इसके जो पिवट्स पॉइंट है उनकी तरफ यहाँ पर ले जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि यहाँ पर 28,946 तक, मतलब 1000 पॉइंट तक भी ये टूटता हुआ नजर आ सकता है, तो यहाँ पर से अगर सपोर्ट के साथ ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर अच्छी बात है। तो देखते हैं आज के मार्केट कैसे रहेंगे, डो जोन्स यहाँ पर कैसा रहेगा, उसके हिसाब से हमें कल की मार्केट का भी यहाँ पर अंदाजा होता हुआ नजर आएगा। तो लगातार कोई भी चीज ऊपर नहीं आती है, उसके नीचे भी आती है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो निफ्टी मेटल में अच्छी खासी जंप आ रही थी, जो जंप आ रही थी ओके, हमने यहाँ पर टाटा स्टील को भी बेचा था, आपने देखा था बीच में हमने टाटा स्टील को ही बेच दिया था, इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसी लेवल यहाँ पर हमें दिख रहा था कि एक अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, अच्छे खासी चीजें हो चुकी है, अब चीजें ऊपर जाके यहाँ पर ट्रैपी की जाएगी, और हमेशा कहता हूँ जब भी इस तरीके की कैंडल बने ऊपर के लेवल पे तो याद रखिए सेलिंग का सिग्नल चुपचाप आता ही है। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट, अगेन वही सपोर्ट यहाँ पर देखिए, इस सपोर्ट के पास चीजें आके यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट लेती हुई नजर आई है, और इसी तरीके से अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो चीजें संभल जाएगी, बट यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट यही नजर आता है, और अगर इसके बाद गिरावट होती है तो अलग अलग पिवट्स पॉइंट बनते हुए नजर सॉरी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे, और उन सपोर्ट को यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, और उन सपोर्ट पे अगर चीजें ठहर जाती है ओके, अदरवाइज हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है। तो निफ्टी मेटल इसी तरीके से, निफ्टी मेटल में टाटा स्टील की भी बात करें, टाटा स्टील भी यहाँ पर आप देखेंगे एक
एक अच्छी खासी गिरावट और एक अच्छे से खासे यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ती हुई नजर आई है, मतलब एक बेहतरीन सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। अगर यहाँ से गिर जाता है तो एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आ सकती है टाटा स्टील में। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी कुछ इंडेक्स से रिलेटेड बातें कर लेते हैं, निफ्टी आईटी से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। निफ्टी आईटी अगेन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ऊपर के लेवल पर अच्छी तेजी होने का इस तरीके की कैंडल बन जाए, एक गिरावट का संकेत होता है, ओके उस केसेस में आप इससे रिलेटेड शेयर को यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इस तरीके की कैंडल बन जाती है तो आप सेल कर सकते हैं। एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट था, देखिए इस सपोर्ट को यहाँ पर इसने तोड़ा तो ये देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट से अगर ये नीचे आती है, ओके इस लेवल से अगर 31,500 के आसपास के नीचे अगर आती है तो एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि इसे शायद यहाँ पर 29,200 तक भी यहाँ पर 2,000 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। बट अगर मोस्टली एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है तो लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा गिरावट होगी, यहाँ से चीजें शायद ऊपर जा सकती है, बट लगातार ऊपर नहीं जाएगी, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस करना इसे बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर निफ्टी आईटी की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो की बात करें, निफ्टी ऑटो भी यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाती हुई यहाँ पर रेजिस्टेंस इसके लिए, ये रेजिस्टेंस को जब तक नहीं निकालेगी, ओके यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसे निकालना बहुत जरूरी है, जो इसका आज का हाई है 11,063 के आसपास का, ये निकाल देता है ऊपर जंप है, बट अगर ये नहीं निकालता तो एक गिरावट हो सकती है और इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी फिर ये 10,517। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही दो खेल है, इसमें अगर हम अच्छी तरीके से चीजों को खेलना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। एनर्जी इंडेक्स की बात करें, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स एक लगातार जंप थी और लगातार कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती, इस चीज को याद रखिएगा, ओके। और यहाँ पर अगेन देखिए सेम कैंडल बनी, ओके जब इस तरह की कैंडल बन गई तो यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है, बट यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है 29,161, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक दूसरे हाई की कोशिश मत करिएगा कि यहाँ पर से चीजें ऊपर जाएगी। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है यहाँ पर 27,875, इसे यहाँ पर अगर रुक जाती है चीजें, ओके अगर नहीं रुकती तो एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है जो इसे 27,000 तक ले जा सकती है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2,500 के आसपास भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, तो अभी एनर्जी से थोड़ा सा दूर रही है, अच्छी अच्छी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, ओके उन रिजल्टों को देख लीजिए, रिजल्ट देखने के बाद एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि व्हाट शुड एग्जैक्टली यू हैव टू डू आफ्टर रिजल्ट। तो यहाँ पर उन कंपनी में फिर उस हिसाब से पोजीशन लेना अच्छा रहेगा। तो निफ्टी एनर्जी ये हो गई, इसके अलावा और डिफरेंट इंडेक्सेस है उसमें भी आप इसी तरीके से, जैसे कि फार्मा हो गया, FMCG हो गया, FMCG ने ये देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त दिखाई, बढ़त दिखाने के बाद अब यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हो सकता है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा 38,780 को यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप आने से रही, ओके उस तब तक यहाँ पर गिरावट ही होती हुई नजर आएगी। और जो ये स्पिनिंग टॉप बनता हुआ नजर आएगा तो ये कैंडल होती है, अगर इसके नीचे यहाँ पर नीचे खुलता है तो एक गिरावट और हो सकती है जो कि इसे शायद यहाँ तक खींच के लेके आ सकती है, बट इसके ऊपर जाता है तो शायद यहाँ तक भी चीजें दोबारा आ सकती है। तो इससे रिलेटेड हम टेक्निकल में हम जाएंगे, हम बात करेंगे, बट अभी ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, इन लेवल्स अगर चीजें चलती रहेंगी, ओके इन लेवल से चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आई, सपोर्ट को क्रॉस करती हुई नजर आई गिरावट, और अगर इन रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो ब्रेक यहाँ पर अच्छी खासी एक जंप होती दिखाई दे सकती है। तो इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस से रिलेटेड और ये सब चीज से रिलेटेड आपको बता दिया, बट एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं आती, कोई भी चीज लगातार नीचे नहीं आती, तो इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को आप समझेंगे उसके हिसाब से आप स्टॉक को यहाँ पर पकड़ेंगे या फिर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में भी आप काम करते हैं उसी तरीके से काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी एनालिसिस के बेसिस पर नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना और जितना हो सके सीखने की कोशिश करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक बजाज हिंदुस्तान से रिलेटेड बात कर लेते हैं, बजाज हिंदुस्तान यहाँ पर देखिए अच्छा खासा चल रहा था, चलने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट होती है नजर आई, एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है ये 20
पांच का, ओके 20 रुपए 5 पैसे का, ये एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के कल की डेट में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये जैसे यहाँ पर एक गिरावट होती नजर आई थी कुछ दिन के लिए, उसके और उसके बाद ऊपर गई थी चीजें, फिर अगेन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, जब तक इन दोनों या तो यहाँ से नीचे ना जाए या यहाँ से ऊपर ना जाए तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस करना है, इसका हाई है, इसे क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पर एक जंप देखेंगे यहाँ तक जो इसे लेके जाएगी। तो एक बजाज हिंदुस्तान में एंट्री लेने के लिए ये पॉइंट अच्छा है, और जब तक यहाँ पर चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, ये इस रेंज में खेलती रहती है, तो आप स्टॉप लॉस 20-5 का यहाँ पर लगा के चुपचाप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ओके। और यहाँ पर से नीचे जाती है तो फिर एक गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि लोअर सर्किट आज की डेट में लगता हुआ नजर आया है। रेनू का शुगर की बात करें तो रेनू का शुगर देखिए स्ट्रॉन्ग नजर आता है, क्यों नजर आता है, क्यों, क्योंकि इसने एक उसी लेवल पे देखिए ऊपर हिट किया और उसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी, ये इसने एक कैंडल बनाई है स्पिनिंग टॉप। जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, ओके, या तो रेजिस्टेंस पे बने या फिर यहाँ पर सपोर्ट पे बने, तो इसमें अगर इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जा चली जाती है, अगर ग्रीन में यहाँ पर ओपन होती है ऊपर की तरफ चली जाती है कैंडल, तो याद रखिए एक जंप होती हुई दिखाई देगी जो हमारे टारगेट थे उसे यहाँ पर क्रॉस करेगा। बट अगर रेड कैंडल ओपन यहाँ पर इस कैंडल से नीचे यहाँ पर ओपन अप होता है तो एक गिरावट देखी जा सकती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो, जितना हो सके सपोर्ट करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।